निकाल अपने हेयर कट, पापा को भी दिखा दो कितना सुंदर हेयर कट। अच्छा पीछे से आगे से भी दिखा दो, आगे से मम्मा को तो पीछे से बहुत अच्छा लगा। तो आज का हेयर कट कर अपना है, अब नहीं नहीं करोगे? फ्रूट जूस पियोगे पहले? बैठो चलो मैं जूस लाती हूँ, उसके बाद नहीं नहीं करेंगे। बहुत दिन के बाद बाल कटे। ब्लॉग, और आप लोगों ने देखा कल काना बाल बाल कटा के आ गया था, अब स्कूल जा चुका है और हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ कर्ड राइस, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो आपको लेनी है चावल और इसमें एक कटोरी दही डालना है, और आजकल तो घर का जमाया हुआ दही होता है हमारा, क्योंकि मम्मी है मम्मी जमा लेती है। इसको अच्छे से मिला लेना है। जो चावल है ना, ये चावल रात के रखे हुए थे मेरे, बच गए थे, तो मैं इनको ऐसे रीयूज़ कर लूँगा। आप लोग भी रात के रखे हुए चावल हो तो उसको ऐसे रीयूज़ कर सकते हैं आप, उसको लेमन राइस बना सकते हैं आप, उसको कर्ड राइस बना सकते हैं। मुझे तो ये दोनों ही बहुत पसंद है, कर्ड राइस और लेमन राइस भी, लेकिन आज मुझे अमित ने बोला है कि बनाओ बनाओ करके, अदरवाइज मैंने पुलाव बनाया हुआ है। मुझे लगता है इसमें मैं थोड़ा दही और डाल दूँगी, तो आधा कटोरी दही और डाल दी, मैं बोल ही नहीं पा रही क्या बोल रही हूँ। आधा कटोरी दही और डाल दिया मैंने इसमें, इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसमें नमक भी मिला देते हैं साथ ही, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला लेना। नमक ज़्यादा हो जाएगा, कितना नमक? बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसका तड़का रेडी करेंगे, तो गैस ऑन कर लेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा, मतलब एक चम्मच डाल लो, दो चम्मच डाल लेना। उसके बाद इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, ये तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों के दाने, थोड़े से मूंगफली के दाने, मतलब मूंगफली की गिरी, एक चम्मच चने की दाल, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च दो, जलने से पहले ही इसमें डाल देंगे करी पत्ता। अभी पूरी अच्छे से भून गया है, चावल के ऊपर इसे डाल देंगे, बस यही करना था। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और हमारा दही चावल रेडी है। कितना आसान और बहुत टेस्टी लगता है। अगर जैसे कभी कुछ बनाने का मन नहीं हो तो सिर्फ आपके पास दही और चावल होने चाहिए ये बनाने के लिए, चावल भी रात के रखे हो तो काम चल सकते हैं। एंड ये रेडी है, मैं इसको फ्रिज में रख दूँ क्योंकि ये ठंडा ठंडा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें उसके पहले मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऊपर से डाल रही हूँ, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और इसको मिला के फ्रिज में रख देंगे, और जब खाने का टाइम होगा तो इसको खा लेंगे। ये मेरा दही चावल बन के रेडी हो गया, बहुत सारे लोगों को शायद पसंद भी ना आए, बट जिनको पसंद आता है दही चावल बहुत अच्छा। साथ ही वैसे मैंने पुलाव भी बना रखा है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। ऐसा खाना, ये ऊपर पूरा पुदीना, मैंने पुदीना का पाउडर डाला था ना, मतलब पुदीना के पत्ती का पाउडर, ऐसा मेरा। ओ वाह वाह, अच्छी खुशबू है।
यामी, ये बहुत अच्छा बना है। मुझे सारी चावल की डिशेस बहुत पसंद आती हैं, मतलब चावल की कोई भी डिश मैं खा लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे अच्छा, और फिर बनाने में भी आसान रहती है, मतलब रोटियाँ बनाने से ज़्यादा अच्छा लगता है चावल बनाना, रोटियाँ ना बनानी पड़े तो और ही ज़्यादा अच्छा है, और मैं चावल चावल खा के रह लूँ। हाँ, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। ये किसने सिखाया डीपीएस स्कूल जिंदाबाद? ऐसे कौन नारे लगाते है भाई? डीपीएस स्कूल जिंदाबाद कौन कहते है बताओ? सारे बच्चे कहते हैं जब स्कूल आ जाता है। जब स्कूल आ जाता है तो क्या कहते हैं? सारे बच्चे बस में बोलते हैं क्या? ऐसे क्या बोलते हैं बस में? हमारा स्कूल जिंदाबाद। जोरावर का बोल के बताओ। ये भी बोल रहे हैं फिर। क्यों बोलता होगा फिर? खाना भी बोलता है बस में बोलते हो? और आज तो खाना ने बहुत अच्छा कहा। स्कूल जिंदाबाद, हमारा स्कूल जिंदाबाद। सारे बच्चे सुनो तो, जिंदाबाद हमारा स्कूल। आप टीचर को पता नहीं चलता? जिंदाबाद। अरे गधे, इधर देख के बता। टीचर को पता नहीं चलता? टीचर को पता नहीं चलता बच्चे ऐसे बोल रहे हैं जिंदाबाद? अभी तो जाते हैं, एक महीना हुआ है का ना? तानू को नहीं पता स्कूल का नाम कैसे होता है। अच्छा, फिर डीपीएस किसका नेम है? डीपीएस ही है स्कूल का नेम। तो फिर क्या नहीं पता फिर काना को? काना को नहीं पता स्कूल का नेम? काना का स्कूल का नेम नहीं पता। आज स्कूल का लोग कुल में स्कूल बन गया बुद्धू नाम। डीपीएस स्कूल जिंदाबाद। हाँ बस हो गया, जिंदाबाद हो गया, हो गया। मम्मी पापा स्कूल में नहीं आए थे जब आपको बस से लेने नहीं आए थे, फिर आप अकेले आ गए का ना? आंटी के साथ आ गए। आपने आंटी को घर का रास्ता कैसे बताया? आंटी के पास से बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। आप आंटी को कैसे कैसे लेकर आए रास्ता बता के? मम्मा को उधर घर का बता दो। रुक जा एक मिनट, कपड़े उतर गए मेरे। काना को घर का रास्ता कैसे पता चला बेटा? आपने कहाँ कहाँ से बताया आंटी को रास्ता बता दो? आंटी को रास्ता कहाँ कहाँ से बताया आपने? आंटी को तो पता नहीं था, दूसरे रास्ते से ला रही। आज ये अपनी बस के अटेंडेंट को खुद रास्ता बताते हुए घर तक लेके आया है, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे जाने में। नहीं, हम लेट नहीं हुए थे, इनकी बस जल्दी आ गई थी, तो ये अपनी आंटी को लेकर आया रास्ता बताते बताते, और मुझे यकीन नहीं था कि ये बता देगा। आंटी को आपने कैसे कैसे रास्ता बताया? कैसे इधर उधर बताया? इधर उधर ऐसे ऐसे आएगा निकल मेरे। अच्छा ये बता, जब अम्मा ने कहा ऊपर से चप्पल लेकर आओ तो क्यों नहीं आए थे? हाँ, कहीं से डर लग रहा था? भूत से। भूत क्या होता है ये? अच्छा, भूत से डर लग रहा था। और जब अम्मा का यहाँ घर उन्टे भर का आया, भूत नहीं था, अम्मा का बुद्धू बनाया। बुद्धू बहुत बनाता है ये। जब डर नहीं लगा भूत से? क्या होता है भूत, पहले मेरे को ये बताओ। जब अम्मा का नोच लिया था और अम्मा ने फिर पिटाई करनी शुरू की खाना की, तो खाना भागा भागा आया ऊपर, भूत नहीं मिला। कहाँ से लगा? कौन से अंदर चला गया? और क्या होता है भूत, पहले मेरे को ये बताओ भूत होता क्या है? किसने बताया भूत होता है? फोन में से समझता है। अच्छा, बहुत बातें समझता है फोन में से। तो अब फोन नहीं मिलेगा खाना को? अब खाने को फोन नहीं मिलेगा जब फोन में से खाना भूत भूत की बातें समझता है, इसलिए नहीं मिलेगा। अब नहीं आएगी खाने को? पहले भूत की बातें, पहले कहाँ से आई थी? पहले क्या, गलती से आ गई थी भाई? पहले कहना गलती से आई थी ना? पैसे तो मिल गए ना? बता दो, गलती से आई थी ना भूत वाले फोन में?
गलती से आ गई थी ना, अब नहीं आएगी। चलो कितना चालू पैसे डाल दिया। कान्हा भाई स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, आज यूनिफॉर्म में नहीं जा रहा, आज कान्हा के कपड़े नहीं धुले थे हैं। टीचर से बोल देना कि टीचर आज यूनिफॉर्म नहीं, मम्मा ने धोई नहीं थी। ऐसे बोल दोगे? That's it for today guys. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।